Hello everybody, welcome back after a very long time to BK3 Studios. Let's talk about colors today. So, बहुत ज़्यादा आजकल वो एक डिबेट चल रहा है कि DaVinci Resolve बेटर है या प्रीमियर प्रो बेटर है. Whatever said and done, let's talk about DaVinci Resolve today. And इसमें colors, इसको जो main priority, जो main attention DaVinci Resolve को मिलती है, that's primarily because of, you know, the color module, the color page. सो वॉट इज़ द कलर पेज, वो इतने सारे मीटर्स क्या हैं उसमें, देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू नो यू सी वैन यू लुक एट द सॉफ्टवेयर. सो लेट्स टॉक अबाउट दोज फर्स्ट फोर स्टेप्स दैट यू नीड टू टेक टू स्टार्ट गेटिंग गुड कलर्स आउट ऑफ योर फुटेज. तो चाहे आप लॉग रिकॉर्ड करो, चाहे नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड करो, ये चार स्टेप्स आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे बिकॉज बहुत ईजी हैं. आपको मैं ये भी दिखाऊँगा कि एक स्क्रीन पे अगर जैसे हम लैपटॉप पे एडिट करेंगे तो इसको फ़ोन के लिए ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, टीवी के लिए ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, अलग अलग स्क्रीन्स के लिए ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है. एक बहुत सिंपल तरीका है जिससे आप क्लियरली समझ जाओगे कि आपके कलर्स बैलेंस हैं, ओवर सैचुरेटेड नहीं है, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा डार्क ज़्यादा लाइट नहीं, एकदम बराबर है और आपकी वीडियो हर जगह पे जो उसके नेचुरल एसेंस हैं वो सामने आएंगे. सो क्या हैं वो फोर स्टेप्स, लेट्स गो एंड चेक आउट. ये है DaVinci Resolve का मेन पेज एडिट टैब. यहाँ से फुटेज मैंने डाल ली है. इफ़ यू जैसे अभी आप देखोगे, मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, तो फुटेज यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट्स ब्लोन आउट हैं एंड मेरा आधा फेस बैलेंस्ड लाइट है बिकॉज यहाँ पे खिड़की है, इस तरफ खिड़की है, सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस साइड, सो यहाँ से लाइट आती है और दूसरा साइड डार्क है बिकॉज यहाँ पे दीवार है, तो ये यहाँ से वो डार्क कर रहा है. सो हाउ डू वी बैलेंस इट, तो ये फिल्टर लगा के या मास्क लगा के दोनों साइड्स को बैलेंस कैसे करना है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टुडे लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक्स के वो पहले चार स्टेप्स आपके कौन से हैं. सो वील गो टू कलर्स पेज. अब ये आपका मेन इनपुट नोड है. इसमें सिंपल तरीका, आप अगर विंडोज़ पे हो तो ऑल्ट एस मार के पहले ही अपने चार नोड्स, तीन नोड्स ऐड कर लो. इफ़ यू आर ऑन मैक तो ऑल्ट एस. सो विंडोज़ पे हो तो भी ऑल्ट एस, मैक पे हो तो भी ऑल्ट एस मार के अपने अपने चार नोड्स ऐड कर लिए. नेक्स्ट स्टेप, आप राइट क्लिक करके नोड लेबल, तो यहाँ पर आपने इसको डाल दिया इनपुट, इसको हम नहीं छेड़ेंगे. तो ये चार तरीके आपने देख लिए. वाइट बैलेंस इनपुट नोड है, इसको नहीं छेड़ना बिल्कुल. वाइट बैलेंस है, लाइट है, लाइट बैलेंस करना और कर्व्स. अब लेट्स गो टू वाइट बैलेंस. तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे आपको ये दो व्हील्स दिखेंगे. यू डोंट हैव टू बी इन लॉग, आपको इस प्राइमरी व्हील में काम करना है. सो प्राइमरी कलर व्हील्स में जो फर्स्ट प्राइमरी व्हील है इसमें आप रहना. टेम्परेचर नाउ राइट साइड में, ये यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग तरह के वेव फॉर्म्स दिखेंगे या स्कोप्स जैसे हम बोलते हैं, तो स्कोप्स दिखेंगे. तो आपने परेड जो है इसको ऑन करके रखना है. तो इसमें आपको रेड दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है और ब्लू दिख रहा है. एंड इफ़ यू सी नाउ, ऊपर की तरफ हाईलाइट्स बहुत ज़्यादा हैं रेड में और ग्रीन में, दैट्स व्हाई यू सी दिस लाइट. एंड नीचे शेडोज बहुत कंप्रेस है क्योंकि ये लॉग फुटेज नहीं, लॉग होता तो बिल्कुल कंप्रेस होता, हम इसको एक्सपैंड करना पड़ता. वील सी लॉग कलर ग्रेडिंग, ब्रिंगिंग इट टू कलर प्रोफाइल फर्स्ट एंड देन गिविंग इट द ग्रेड्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. यू सी एज ऑफ नाउ इफ यू सी रेड ग्रीन और ब्लू तीनों बैलेंस्ड है, तीनों एक ही लेवल पे हैं, राइट. तो हमने पहले इसका वाइट बैलेंस सेट करना है. दो तरीके हैं. सबसे सिंपल, आप पिकर को उठाओगे और जैसे अब ये पीछे की दीवार ये वाइट है, क्लिक ऑन इट तो ये ऑटोमेटिकली आपका, ये देखा आपने, वाइट बैलेंस इसने बराबर कर दिया. एक तो ये तरीका है, नहीं तो आप इफ़ यू वांट डू इट मैन्युअली, वेरी सिंपल, टेम्परेचर पे रख के इसको आप बैलेंस कर सकते हैं जिस तरह का आपको चाहिए. हल्का सा, जैसे मुझे ब्लू टिंट ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने हल्का सा ब्लू दे दिया. अगर राइट में लेके जाओगे तो थोड़ा सा ये ग्रीनिश झलक मारेगा, जैसे आप देखो रेड और ग्रीन हैवी हो रहे हैं यहाँ पे स्कोप्स में. सो आई विल बैलेंस देम आउट वेरी नाइसली टू हल्का सा ब्लू, देयर, दैट्स इट. टिंट अगेन, राइट में जाओगे तो ये ब्लू को हैवी करेगा, लेफ्ट में जाओगे तो ये ग्रीन को उठाएगा. नाउ इफ यू सी स्कोप्स में, या स्कोप्स पे ध्यान देना, मैं टिंट को जब राइट में लेके जाऊंगा तो ये रेड और ब्लू को ऊपर कर रहा है, ग्रीन को नीचे दबा रहा है. सो हल्का सा इसको इधर लेके जाके एंड देयर वी गो. तो ये है मेरा बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर. ये देखो, ये ब्लू और ये बुद्धा की जो पेंटिंग है इस पे ध्यान दो, ये देखो.
है ना, बैलेंस हो गया। ये इसका ओरिजिनल कलर है और ये आउट ऑफ कैमरा फुटेज है। इफ़ यू सी मेरी पगड़ी के यहाँ पे भी आपको लाइट का रिफ्लेक्शन देखना चालू हो जाएगा। अभी ये आउट ऑफ कैमरा फुटेज है तो यहाँ पे बिल्कुल एक जैसा कलर है। इफ़ आई गो अप्लाई द ग्रेड, ये देखो, तो ये अपना वाइट बैलेंस हो गया। फर्स्ट स्टेप इज डन, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइट। अब फोटोग्राफी में या वीडियोग्राफी में लाइट के दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, लाइट और डार्क, हाईलाइट्स एंड शेडोज। सो हाईलाइट्स ब्राइटर साइड होती हैं और शेडोज जो हैं वो डार्कर साइड होती हैं। कई सॉफ्टवेयर्स में आपको हाईलाइट, शेडोज, वाइट और ब्लैक, ये चारों के ऑप्शन होते हैं। कुल मिला के है वो एक ही चीज़, हाईलाइट्स एंड शेडोज। कॉन्ट्रास्ट भी उसमें काम करता है। द मोस्ट कॉमन एरर दैट आई सी पीपल डू इज़ वो अपनी इमेज को शार्प करने के लिए और हाईलाइट्स को और बैलेंस करने के लिए सीधा कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रास्ट का पर्पस उसको एक लुक देना है, बट पहले आपको अपनी शेडोज और हाईलाइट्स को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। हाउ डू यू डू इट? अगेन लॉग व्हील में ये नीचे शेडोज हैं, आप इसको उठाओगे तो देखो मेरा चेहरा हल्का सा देखने लग गया, बट हम जैसी शेडो उठाएंगे तो ये पीछे की दीवार पे ध्यान दो, ये देखो ये शेडोज कम, ये शेडोज ज़्यादा, पीछे की दीवार ब्लोन आउट हो रही, हाईलाइट्स ब्लो आउट हो रही, तो हम हाईलाइट्स को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे एंड शेडोज को फिर थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। देवी को तो अब आपको थोड़ा सा चेहरा मेरा देखने लग गया, हालांकि बहुत ऑरेंजिश लुक है एंड वी हैव एटलीस्ट अ विजिबल फेस नाउ। व्हाई एम आई सो सैड? आई डोंट नो, बट लेट्स जस्ट फोकस ऑन कलर्स। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? थोड़ा सा हम यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे, देर थोड़ा सा बस मिड या डिटेल, ये जो सेक्शन है ये क्या करेगा, ये आपकी इमेज का जो वीडियो है उसमें जो उसका स्ट्रक्चर निखार देगा। सो उसको सॉफ्ट करेगा या हार्श करेगा। एग्जांपल, अब मैंने इसको एकदम बढ़ा दिया, देखो मेरी फुटेज कैसी कॉन्क्रीटी हो गई है ना, सीमेंट लगाया लगता है। कम करेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट होगी, देखो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कैमरा के फिल्टर के शाओमी फ़ोन से वीडियो निकाला हो, राइट? सो बिफोर आफ्टर, और अगर मैं इसको बिल्कुल +100 कर दूंगा तो ये ऐसी लगेगी। देखा, चेहरे के धब्बे जो नहीं है वो भी देखने लग गए, झुर्रियाँ, मैं मुंह धो के बैठा था बाय द वे। तो इसको हम इसलिए ज़्यादा नहीं छेड़ते, हल्का सा जब आप टेक्सचर देना चाहो या स्किन टोन को थोड़ा सा ठीक करना है तब हम लोग इसको यूज़ करते हैं, बट एट्स फॉर अ लेटर वीडियो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात और जिसमें सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं वो है लिफ्ट गामा गेन और लॉग में जाके शेडो मिड टोन हाईलाइट्स। ये पॉइंट पे जाके सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम, राइट? सो इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, अभी लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। थोड़ा सा मैं लिफ्ट गामा गेन और शेडोज और हाईलाइट्स के व्हील्स यूज करके अपनी इमेज बैलेंस करता हूँ, फिर हम कर्व्स पे जाएंगे, ये वीडियो खत्म होगा, फिर इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक टू यू अबाउट द व्हील्स देमसेल्व्स। सो लिफ्ट में अगर आप देखोगे ये इट वर्क्स ऑन द शेडोज, ये शेडोज को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, यहाँ से हाईलाइट्स को थोड़ा सा निखार के मिड टोन्स थोड़ी सी डार्क एंड इनको मैं थोड़ा सा कम करूँगा ताकि मेरा बैलेंस आ जाए। ये इधर शेडोज को इधर, परफेक्ट। अभी विल गो टू लॉग, लॉग में प्योर शेडोज का काम है, इसको थोड़ा सा डार्क, हाईलाइट्स थोड़ी सी कम। मेरे को टिपिकली अपनी इमेज थोड़ी सी डार्क पसंद है, तो इसके लिए आपको देखेगा कि मैंने थोड़ा सा इसको एक डार्क लुक दिया, बिकॉज उससे वो इंटेंस फीलिंग आती है, राइट? सो ये हो गया। अब वील गो टू द लास्ट स्टेप विच इज कर्व। कर्व में, कर्व का ये जो एंगल है ये आपका लाइट है। इफ़ यू सी हाईलाइट्स, ऊपर वाली जो लाइन है कर्व्स में, स्कोप्स में, ये ऊपर वाली लाइन जो है स्कोप्स में, ये आपके हाईलाइट्स हैं और ये नीचे वाला जो है ये शेडोज है। सो इफ़ यू सी, यहाँ से अगर मैं इसको छेड़ता हूँ तो ये ऊपर वाली लाइन को नीचे लेके जा रहा है, विच मीन्स ये हाईलाइट वाला पॉइंट है और ये आपका शेडो वाला पॉइंट है, राइट? तो हमने इन दो पॉइंट्स को अभी नहीं छेड़ना है, इनको कब छेड़ेंगे मैं आपको बताऊँगा। अभी सिंपल इस एक्सिस पे, इस पॉइंट पे, इंटरसेक्शन पे, एक इस इंटरसेक्शन पे और एक इस इंटरसेक्शन में हमने तीन डॉट्स लगा लिए, शेडो, हाईलाइट्स, मिड टोन्स, शेडोज। नीचे करेंगे तो वो कंप्रेस करेगा, ऊपर करेंगे तो वो एक्सपैंड करेगा। तो हमने क्या करना है, सब इसको कर्व इसलिए बोलते हैं, और एक रूल ऑफ थंब है, आप किसी भी फोटो या वीडियो वाली वीडियो में देखोगे तो आपको दिखेगा कि
एक एस कर्व बनना चाहिए प्रॉपर बैलेंस्ड इमेज के लिए। तो सबसे पहले आप सेंटर वाला पॉइंट लेके उसको थोड़ा सा छेड़ोगे, उसको नीचे लेके आए। देखो अभी थोड़ी सी डिटेल्स वापस आ रही हैं, इसको हम ऊपर हल्का सा ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे। दे यू गो, आ गई अपनी इमेज अच्छी। तो ये हमारी बिफोर और ये आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, सब कलर्स आ गए, सारा बैलेंस आ गया। अभी अगर आप देखो कि मेरी स्किन टोन जो है यहाँ पे, हालांकि चोकटे पे हैं दाग धब्बे, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श दिख रही है। तो यहाँ पे यू विल गो बैक एंड प्राइमरीज में जाके अब मिड डिटेल्स को थोड़ा सा कम करोगे, वाला स्किन साफ हो गया। तो ये टिपिकली ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स है, आप एडिटिंग करना शुरू करो तो आपको समझ में आएगा। बट ये चार आपके मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कलर एडिटिंग के, कलर करेक्शन के। ये ग्रेडिंग नहीं है, ये करेक्शन है। ग्रेडिंग और करेक्शन में अंतर ये है कि अभी हमने क्या किया, हमने सिर्फ इमेज के जो एक्चुअल कलर्स है, ये आउट ऑफ कैमरा फुटेज है, एकदम पूरी फ्लैट नहीं है, कुछ कलर्स हैं इसमें बिकॉज ये लॉग प्रोफाइल नहीं है। तो इसके हमने कलर्स को ठीक किया, इसको वापस लाइट में लाए ताकि एटलीस्ट वीडियो वॉचेबल हो जाए। अभी थोड़े से कलर्स आ गए इसमें, अभी भी इसमें बहुत काम बाकी है। मेरा फेस पूरा येलोइश लग रहा है बिकॉज सामने एक येलो कलर की लाइट मैंने लगा रखी थी, वो बहुत ज़्यादा हार्श होगी, तो हम इसको भी ठीक कर सकते हैं। अब ये सब कहाँ पे ठीक होगा, ये वी विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। वेन एवर यू सिटिंग फॉर ग्रेडिंग और कलर करेक्टिंग योर वीडियो, ऑलवेज रिमेंबर वाइट बैलेंस पहले होगा। कभी कभी आपको ऐसा होगा कि वीडियो बहुत, फुटेज आपकी बहुत डार्क है, तो पहले आप हाईलाइट्स को डिक्रीज करके शेडोज़ को इंक्रीज करो ताकि थोड़ी सी आपको विजिबिलिटी मिलेगी, फिर वाइट बैलेंस करो, वापस हाईलाइट्स और शेडोज़ को जाके ठीक करके यू कैन प्ले अराउंड विद देम। नंबर टू, स्कोप्स हमेशा सामने रखना। ये रेड, ग्रीन और ब्लू अगर आप देखो, तीनों एक दायरे में है, कोई भी ज़्यादा ओवरब्लोन नहीं है। रेड थोड़ा सा ओवरब्लोन है, इसलिए मैंने कहा मेरा चेहरा पूरा रेड हो रहा है, तो मैं इसको भी कम कर सकता हूँ। इफ़ आई जस्ट गो टू द कर्व्स और वहाँ पर मैं रेड सिलेक्ट करके रेड को थोड़ा सा मैं नीचे लेके आऊँगा तो मेरी फुटेज बैलेंस हो जाएगी। बहुत सिंपल, छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम करके अपनी वीडियो को, अपनी इमेज को एनहेंस कर सकते हैं। ओवरडू मत करना, हम एक स्क्रीन पे देखते हैं फुटेज को, किसी वो दूसरी स्क्रीन पे किसी और तरह से दिखती है। तो इसके लिए ऑलवेज रिमेंबर कि आपके ये तीन जो कलर्स हैं RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये हमेशा बैलेंस एक ही दायरे में होने चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। दैट इज़ योर साइन कि आपकी फुटेज पूरी वेल बैलेंस्ड है, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगेगा। आई एम नाउ गोइंग टू यू नो स्टार्ट अ सीरीज ऑन हाउ टू यूज़ रिजॉल्व एज योर गो टू एडिटर। इसमें बहुत तामझाम है, बट डोंट वरी, वी विल फिगर इट आउट टुगेदर। तो ये तो थे बेसिक फर्स्ट स्टेप्स के अपनी वीडियो के, अपने फुटेज के कलर्स करेक्ट कैसे करने हैं। नाउ वी विल नेक्स्ट टॉक अबाउट द व्हील्स, द कंपोनेंट्स ऑफ द कलर पेज, देन वील मूव ऑन टू ऑडियो एडिटिंग एंड शॉर्टकट्स एंड एवरीथिंग। सो फॉर दैट स्टे ट्यून टू द चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल द एडिटर्स दैट यू नो। और अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं रिजॉल्व, फिल्मोरा, प्रीमियर प्रो या एनिमेशन के बारे में, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।